हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज का टॉपिक है हेलुसिनोजेंस, और हेलुसिनोजेंस का मतलब है ऐसे ड्रग्स जिनको लेते हैं तो हेलुसिनेशंस नज़र आती हैं। हेलुसिनेशंस होती हैं जो मतलब आपको अनरियल चीज़ें दिखती हैं, ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे। एंड हेलुसिनोजेंस एक्चुअली कॉज द ब्रेन टू ऑल्टर इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशंस। आपकी जो इंटरप्रिटेशन होती है आपकी सेंसेस की, आपके विजन की, स्मेल की, टेस्ट की, ये सारी चीज़ें ऑल्टर हो जाती हैं, इनमें चेंजेस आ जाते हैं। कैन प्रोड्यूस सेंसरी डिस्टॉर्शंस वेरी सिमिलर टू सिनेस्थेशिया। सिनेस्थेशिया का मतलब होता है जब हमारी सेंसेशंस जो है ना वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, जैसे करना चाहिए वैसे नहीं। जैसे हमें कोई चीज़ देखते हैं विजन, तो वो कलर्स मान लो इसमें फॉर एग्जांपल कलर्स है, तो कलर्स में हमें साउंड्स अगर सुनाई दे रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए, कलर एक विजुअल स्टिमुलस है, उसमें हमें ऑडिबल चीज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए, लेकिन अगर हमें कलर्स में साउंड सुनाई दे रहे हैं या साउंड में हमें स्मेल्स आ रही है, तो इस तरीके से हमारी सेंसेशंस ऑल्टर हो जाती है, जिसको हम सिनेस्थेशिया बोलते हैं। इनको फॉल्स सेंसरी परसेप्शंस बोलते हैं कि हमें फॉल्सली मतलब ये चीज़ें गलत नज़र आ रही, गलत फील हो रही है, गलत सेंसेस हो रही है जो कि एक्चुअली में वहाँ है नहीं, और इसलिए इसको हम हेलुसिनोजेंस बोलते हैं, जो हमें हेलुसिनेशंस होती हैं इसकी वजह से। सो देर आर टू बेसिक टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, एक तो विच आर क्रिएटेड इन द लैब एंड दोज दैट आर दैट कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। हेलुसिनेजेंस भी दो टाइप के ही हैं, जैसे कुछ नेचुरल हैं कुछ लैब में बनते हैं। तो अब पहले देखते हैं लैब में कौन कौन से प्रिपेयर होते हैं हेलुसिनोजेंस। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है LSD। LSD का फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड, और ये कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, एक फंगस होता है एरगोट, उस फंगस के ऊपर ये ग्रो करता है ग्रेन के फॉर्म में छोटा सा, तो ये LSD उससे प्रिपेयर होता है। एंड LSD इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंड पावरफुल हेलुसिनोजेन। सबसे ज़्यादा पावरफुल किस कैटेगरी का ये ड्रग माना गया है, एंड इट टेक्स ओनली अ वेरी टाइनी ड्रॉप ऑफ LSD टू अचीव अ हाई। मतलब बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट LSD का लेते हैं जिससे वो हाई मतलब एक वैसी फीलिंग आती है जिसको आप कहते हो कि ड्रग्स लेने के बाद जिस तरीके से फील होता है। पीपल हु टेक LSD यूजली डू सो टू गेट हाई फीलिंग। सम पीपल फील दैट LSD हेल्प्स देम एक्सपैंड देयर कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस। तो कुछ लोग तो हाई फीलिंग के लिए लेते हैं ड्रग्स, उनको अच्छा लगता है उस टाइप की जो उनकी सेंसेस ऑल्ट्रेशन वगैरह होती है वो फील अच्छा लगता है। कुछ लोग उनको लगता है कि अगर हम LSD लेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमें जो चीज़ें वैसे नॉर्मली दिखती हैं वो और बेटर नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, बेटर सुनाई देने शुरू हो जाएंगे, जैसे कलर्स ही मोर इंटेंस और इंटेंस दिखेंगे जो कलर्स हैं, साउंड्स मोर ब्यूटीफुल। तो उनको ये लगता है कि उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो और ज़्यादा और अवेयर हो जाएंगे। बट द एक्सपीरियंस इज नॉट ऑलवेज अ प्लेजेंट वन, जस्ट एज ड्रीम्स आर नॉट ऑलवेज फिल्ड विद पॉजिटिव इमोशंस। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, एक्सपीरियंस हमेशा ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, बैड एक्सपीरियंस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन उस टाइम क्या डिसाइड कर रहा है, आपको किस तरह की हेलुसिनेशंस दिखाएगा, वो बैड भी हो सकती हैं गुड भी हो सकती हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेंजर्स इन यूजिंग LSD इज द इफेक्ट इट हैज़ ऑन पर्सन्स एबिलिटी टू परसीव रियलिटी। सबसे बड़ा डेंजर यही होता है कि आप रियलिटी से दूर चले जाते हो, आप रियलिटी एकदम आपको ख़त्म हो जाती, समझ में नहीं आता रियल में और अनरियल में, मतलब डिफरेंस समझ में नहीं आता। एंड रियल डेंजर्स एंड हैजर्ड्स इन द वर्ल्ड में गो अननोटिस। तो आपको रियली में जो डेंजर्स हैं उनका पता ही नहीं चलता, आप इतने लॉस्ट हो जाते हो और इसमें आप इतने गलत डिसीजंस ले लेते हो, जैसे कुछ लोग ड्रग्स लेके ड्राइव करने की सोच लेते हैं जबकि उनकी सेंसेस उस टाइप पे राइट नहीं होती ड्राइव करने के लिए, अपने आप को भी हर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो उस टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पा रहे होते, वो रियल और अनरियल में डिफरेंस नहीं कर पा रहे होते। तो ये हो गया पहला जो हेलुसिनोजन हमने पढ़ा जो कि मोस्ट पावरफुल है LSD। फिर इसमें दूसरा हेलुसिनोजन जो हम पढ़ रहे हैं वो है PCP, और PCP का मतलब है फिनाइल साइक्लोहेक्साइल पीपरीडीन।
ये लिखा हुआ है यहाँ पे, साइक्लोहेक्साइल पाइपरिडीन या पीपरिडीन दोनों बोल सकते हैं। अनदर सिंथेसाइज ड्रग वॉज फाउंड टू बी डेंजरस दैट इट रिमेन्स यूजफुल ओनली इन वेटनरी मेडिसिन एज अ ट्रैंकुलाइजर्स। तो ये बेसिकली एज अ ट्रैंकुलाइजर यूज़ किया जाता है वेटनरी मेडिसिन मेडिसिन में, ट्रैंकुलाइजर्स की तरह यूज़ किया जाता है। और ड्रग इज पीसीपी विच स्टैंड्स फॉर फिनाइल साइक्लोहेक्साइल पाइपरिडीन, अ नेम विच ऑफन कॉन्ट्रैक्टेड एज, इसको शॉर्ट में हम फीन साइक्लिडीन भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। और इसके डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं काफ़ी सारे डिपेंडिंग ऑन डोसेज, इसका इफेक्ट जो है कितनी डोसेज आप ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ये हेलुसिनोजन की तरह भी रिएक्ट कर सकता है, ये स्टिमुलेंट की तरह भी यूज़ हो सकता है, डिप्रेसेंट भी हो सकता है, एनल्जेसिक भी हो सकता है, मतलब आप पेन कम करने के लिए, पेन ख़त्म करने के लिए, डिपेंड करता है आप कितनी डोसेज ले रहे हो। एज विद LSD यूजर्स ऑफ PCP कैन एक्सपीरियंस हेलुसिनोजन डिस्टॉर्टेड सेंसेशन, तो वही वाले सारे इफेक्ट्स होते हैं जैसे LSD लेके होते हैं। एंड PCP कैन ऑल्सो लीड टू एक्ट्स ऑफ वायलेंस अगर अगेंस्ट अदर्स और सुसाइड। इसमें क्या है कि या तो आप दूसरों के साथ वायलेंट हो जाते हो या खुद के साथ भी वायलेंट कुछ कर सकते हो, जैसे सुसाइड करना वो सब। यूजर्स में इवन फिजिकली इंजर देमसेल्व्स अनइंटेंशनली बिकॉज PCP कॉजेज देम टू फील नो वार्निंग साइंस सिग्नल ऑफ पेन। इसका मतलब ये है कि जो यूजर्स होते हैं इस ड्रग के वो फिजिकली अपने आप को इंजर भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको एक वार्निंग सिग्नल जो हमें होता है ना, जैसे हमें पता होता है कि हम अपने आप को हर्ट करेंगे, हमें पेन होगी, वो चीज़ उस टाइम उनको रियलाइज नहीं होती। तो ये PCP का डेंजर है लेने का। फिर तीसरा आ जाता है जिसका बहुत कॉमन नेम है एक्सटेसी, और वैसे इसका टेक्निकली MDMA बोला जाता है। एक्सटेसी बोल लो या फिर इसको डिजाइनर ड्रग बोल लो या सिंपली एक्स बोल लो, तो ये सारे नाम एक ही उसके हैं, ड्रग के हैं। और इसको हम डालते हैं, ये है तो हेलुसिनोजन पर इसको स्टिमुलेटरी हेलुसिनोजन बोलते हैं, मतलब ये स्टिमुलेट भी करता है। स्टिमुलेट मतलब आपको अलर्ट भी कर देता है आपके बॉडी नर्वस सिस्टम को, और हेलुसिनोजिक इफेक्ट्स भी होते हैं। ऑल्दो मैनी यूजर्स ऑफ MDMA बिलीव दैट इट इज़ रिलेटिवली हार्मलेस, इन फैक्ट लाइक अदर सब्सटेंसेज कैन बी डेडली व्हेन मिसयूज, मतलब ये लोगों को लगता है जो यूज़ करते हैं कि इतना हार्मफुल नहीं है, बट अगेन अगर ज़्यादा यूज़ करें तो डेडली भी हो सकता है। MDMA इज़ अ कॉमन ड्रग एट रेव्स पार्टी, जो रेव पार्टीज होती हैं, जो नाइट पार्टीज होती है, जैसे ज़्यादातर उसमें न्यू ईयर्स वगैरह पे जो नाइट पार्टीज या रेप पार्टी ज़्यादातर होती हैं, उस टाइप की पार्टीज़ में ये बहुत यूज़ किया जाता है। इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है, रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, उससे क्या होता है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अगर जो ये ड्रग ले रहा है अगर उसने इनफ पानी नहीं पिया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उसके साथ, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। और उल्टा भी हो सकता है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ वाटर कैन ऑल्सो लीड टू कोमा एंड डेथ, और ज़्यादा पी लिया तो बॉडी कोमा में जा सकती है, डेथ हो सकती है, बिकॉज एन एक्सेस फ्लूइड कैन डिस्टर्ब द सॉल्ट कंटेंट ऑफ द बॉडी टिश्यू मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर ऑल द बॉडी पार्ट्स टू फंक्शन प्रॉपरली। तो सॉल्ट कंटेंट कम हो जाएगा ज़्यादा पानी पीने से, तो बॉडी के फंक्शंस वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एक बैलेंस अमाउंट ऑफ वाटर जो पीना बहुत ज़रूरी है, कम हो या ज़्यादा हो दोनों में रिस्क होता है। एडिंग टू द रिस्क इज द पॉसिबिलिटी दैट एक्सटेसी यूजर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग एल्कोहल, तो जो लोग पार्टीज में होते हैं वो इस ड्रग के साथ साथ अल्कोहल भी ले रहे होते हैं, तो एक ड्रग इंट्रैक्शन होने का भी बहुत डर रहता है, जिसकी वजह से इसके जो इफेक्ट्स हैं और ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। फिर आते हैं नॉन मैन्युफैक्चर्ड में, नॉन मैन्युफैक्चर्ड मतलब जो बनाते नहीं है हम लोग, मतलब ये नेचुरली जो मिलते हैं नेचर में। सो इसमें पहला जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेस्कलीन। मेस्कलीन जो है कम्स फ्रॉम दी बटन्स फाउंड ऑन द पीओटी कैक्टस, कैक्टस के ऊपर मिलता है ये, एंड नेटिव अमेरिकन, और ये अमेरिका के रिलीजियस और स्पिरिचुअल उसमें रिचुअल्स में यूज़ होता है। इसका भी हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट होता है हेलुसिनोजेंस की, जैसे LSD का होता है सेम उस तरीके से, और लेकिन इसको ज़्यादातर अपने रिचुअल्स में यूज़ करते हैं लोग, पुराने टाइप के जैसे स्पिरिचुअल रिचुअल्स होते हैं, इसमें कहते हैं कि वो अपनी सोल से मिलने जाते हैं, सोल से बात करने के लिए, उस टाइप के स्पिरिट से बात करनी है, उस टाइप के रिचुअल्स में। फिर उसके बाद दूसरा इसमें जो दिया हुआ है वो है
इसका पी साइलेंट है, इसको हम बोलेंगे साइलोसाइबन, साइलोसाइबन बोलेंगे, पी इसको नहीं प्रोनाउंस करेंगे। तो इज अनदर नेचुरली अकरिंग हेलुसिनोजी कंटेंट सर्टेन काइंड ऑफ मशरूम, ये भी मशरूम पे ही मिलता है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ रेफर्ड मैजिक मशरूम बोलते हैं, ठीक है। एंड लाइक मेस्किलिन इट इज ऑल्सो भी यूज इन सिमिलर, इसको भी रिचुअल्स में ही यूज किया जाता है बेसिकली। इन दोनों का ये लिखा है कि ये दोनों ही जो ड्रग्स हैं मेस्किलिन और साइलोसाइबिन हैज बीन शोन टू क्रिएट हैज बीन नॉर हैज बीन शोन टू क्रिएट फिजिकल, दोनों से ही फिजिकल डिपेंडेंसी कोई नहीं होती, बट एज विद एनी साइको एक्टिव ड्रग्स साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी पॉसिबल है। फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पेन नहीं होगी कहीं भी, लेकिन साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो जाएगी कि उनको फील ऐसा होगा कि हम उसके बिना नहीं काम कर सकते। एंड हाउ एवर अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर कॉल्ड हेलुसिनोजिक परसिस्टिंग परसेप्शन डिसऑर्डर है, तो इसके साथ इसका लिंक है हेलुसिनोजन परसिस्टिंग परसेप्शन डिसऑर्डर, जिसको HPPD बोलते हैं। तो इसका इससे रिलेटेड एक और ड्रग जो है डिस्कस किया हुआ है वो है मैरिजुआना, वन ऑफ द बेस्ट नोन एंड मोस्ट कॉमनली अब्यूज ऑफ द हेलुसिन, ये तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है मैरिजुआना, आपने मूवी में भी सुना होगा, जिसको शॉर्ट में पॉट और वीड बोलते हैं, ये बहुत नोन है और बहुत कॉमनली ये यूज होता है। एंड इट कम्स फ्रॉम द लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द हेम्प प्लांट कॉल्ड कैनिबिस सटीवा, तो ये इसकी लीव्स और प्लांट से आता है ये वाला ड्रग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज का टॉपिक है हेलुसिनोजेंस, और हेलुसिनोजेंस का मतलब है ऐसे ड्रग्स जिनको लेते हैं तो हेलुसिनेशंस नज़र आती हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं जो मतलब आपको अनरियल चीज़ें दिखती हैं, ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे। एंड हेलुसिनोजेंस एक्चुअली कॉज द ब्रेन टू ऑल्टर इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशंस, आपकी जो इंटरप्रिटेशन होती है आपकी सेंसेस की, आपके विजन की, स्मेल की, टेस्ट की, ये सारी चीज़ें ऑल्टर हो जाती हैं, इनमें चेंजेस आ जाते हैं। कैन प्रोड्यूस सेंसरी डिस्टॉर्शंस वेरी सिमिलर टू सिनेस्थेशिया, सिनेस्थेशिया का मतलब होता है जब हमारी सेंसेशंस जो है ना वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, जैसे करना चाहिए वैसे नहीं, जैसे हमें कोई चीज़ देखते हैं विजन, तो वो कलर्स मान लो इसमें फॉर एग्जांपल कलर्स है, तो कलर्स में हमें साउंड्स अगर सुनाई दे रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए, कलर एक विजुअल स्टिमुलस है उसमें हमें ऑडिबल चीज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए, लेकिन अगर हमें कलर्स में साउंड सुनाई दे रहे हैं या साउंड में हमें स्मेल्स आ रही है, तो इस तरीके से हमारी सेंसेशंस ऑल्टर हो जाती है, जिसको हम सिनेस्थेशिया बोलते हैं। इनको फॉल्स सेंसरी परसेप्शन बोलते हैं कि हमें फॉल्सली मतलब ये चीज़ें गलत नज़र आ रही, गलत फील हो रही है, गलत सेंसेस हो रही है जो कि एक्चुअली में वहाँ है नहीं, और इसलिए इसको हम हेलुसिनोजेंस बोलते हैं, जो हमें हेलुसिनेशंस होती हैं इसकी वजह से। सो देर आर टू बेसिक टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, एक तो विच आर क्रिएटेड इन द लैब एंड दोज दैट आर दैट कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। हेलुसिनेजेंस भी दो टाइप के ही हैं, जैसे कुछ नेचुरल हैं कुछ लैब में बनते हैं। तो अब पहले ये देखते हैं लैब में कौन कौन से प्रिपेयर होते हैं हेलुसिनोजेंस। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है LSD, LSD का फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड, और ये कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, एक फंगस होता है एरगोट, उस फंगस के ऊपर ये ग्रो करता है ग्रेन के फॉर्म में छोटा सा, तो ये LSD उससे प्रिपेयर होता है। एंड LSD इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंड पावरफुल हेलुसिनोजेन, सबसे ज़्यादा पावरफुल किस कैटेगरी का ये ड्रग माना गया है। एंड इट टेक्स ओनली अ वेरी टाइनी ड्रॉप ऑफ LSD टू अचीव अ हाई, मतलब बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट LSD का लेते हैं जिससे वो हाई हाई मतलब एक वैसी फीलिंग आती है जिसको आप कहते हो कि ड्रग्स लेने के बाद जिस तरीके से फील होता है। पीपल हु टेक LSD यूजली डू सो टू गेट हाई फीलिंग, सम पीपल फील दैट LSD हेल्प्स देम एक्सपैंड देयर कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस, तो कुछ लोग तो हाई फीलिंग के लिए लेते हैं ड्रग्स, उनको अच्छा लगता है उस टाइप की जो उनकी सेंसेस ऑल्ट्रेशन वगैरह होती है वो फील अच्छा लगता है। कुछ लोग उनको लगता है कि अगर हम LSD लेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमें जो चीज़ें वैसे नॉर्मली दिखती हैं वो और बेटर नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, बेटर सुनाई देने शुरू हो जाएंगे,
जैसे कलर्स ही मोर इंटेंस और इंटेंस दिखेंगे जो कलर्स हैं, साउंड्स मोर ब्यूटीफुल, तो उनको ये लगता है कि उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो और ज़्यादा और अवेयर हो जाएंगे. बट द एक्सपीरियंस इज नॉट ऑलवेज अ प्लेजेंट वन, जस्ट एज ड्रीम्स आर नॉट ऑलवेज फिल्ड विद पॉजिटिव इमोशंस. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, एक्सपीरियंस हमेशा ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, बैड एक्सपीरियंस भी हो सकता है. डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन उस टाइम क्या डिसाइड कर रहा है, आपको किस तरह की हेलुसिनेशंस दिखाएगा. वो बैड भी हो सकती हैं, गुड भी हो सकती हैं. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेंजर्स इन यूजिंग एलएसडी इज द इफेक्ट इट हैज़ ऑन पर्सन्स एबिलिटी टू परसीव रियलिटी. सबसे बड़ा डेंजर यही होता है कि आप रियलिटी से दूर चले जाते हो, आप रियलिटी एकदम आपको ख़त्म हो जाती, समझ में नहीं आता रियल में और अनरियल में, मतलब डिफरेंस समझ में नहीं आता. एंड रियल डेंजर्स एंड हैजर्ड्स इन द वर्ल्ड में गो अननोटिस. तो आपको रियली में जो डेंजर्स हैं उनका पता ही नहीं चलता, आप इतने लॉस्ट हो जाते हो और इसमें आप इतने गलत डिसीजंस ले लेते हो. जैसे कुछ लोग ड्रग्स लेके ड्राइव करने की सोच लेते हैं, जबकि उनकी सेंसेस उस टाइप पे राइट नहीं होती ड्राइव करने के लिए. अपने आप को भी हर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो उस टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पा रहे होते, वो रियल और अनरियल में डिफरेंस नहीं कर पा रहे होते. तो ये हो गया पहला जो हेलुसिनोजन हमने पढ़ा, जो कि मोस्ट पावरफुल है, एलएसडी. फिर इसमें दूसरा हेलुसिनोजन जो हम पढ़ रहे हैं वो है पीसीपी. और पीसीपी का मतलब है फिनाइल साइक्लोहेक्साइल पीपरीडीन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, साइक्लोहेक्साइल पाइपरीडीन या पीपरीडीन दोनों बोल सकते हैं. अनदर सिंथेसाइज ड्रग वॉज फाउंड टू बी डेंजरस दैट इट रिमेन्स यूजफुल ओनली इन वेटनरी मेडिसिन एज अ ट्रैंकुलाइजर्स. तो ये बेसिकली एज अ ट्रैंकुलाइजर यूज़ किया जाता है वेटनरी मेडिसिन, मेडिसिन में ट्रैंकुलाइजर्स की तरह यूज़ किया जाता है. और ड्रग इज पीसीपी विच स्टैंड्स फॉर फिनाइल साइक्लोहेक्साइल पाइपरीडीन, अ नेम विच ऑफन कॉन्ट्रैक्टेड एज, इसको शॉर्ट में हम फीन साइक्लिडीन भी बोल सकते हैं शॉर्ट में. और इसके डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं काफ़ी सारे डिपेंडिंग ऑन डोसेज. इसका इफेक्ट जो है कितनी डोसेज आप ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है. ये हेलुसिनोजन की तरह भी रिएक्ट कर सकता है, ये स्टिमुलेंट की तरह भी यूज़ हो सकता है, डिप्रेसेंट भी हो सकता है, एनल्जेसिक भी हो सकता है, मतलब आप पेन कम करने के लिए, पेन ख़त्म करने के लिए. डिपेंड करता है आप कितनी डोसेज ले रहे हो. एज विद एलएसडी यूजर्स ऑफ पीसीपी कैन एक्सपीरियंस हेलुसिनोजन डिस्टॉर्टेड सेंसेशन. तो वही वाले सारे इफेक्ट्स होते हैं जैसे एलएसडी लेके होते हैं. एंड पीसीपी कैन ऑल्सो लीड टू एक्ट्स ऑफ वायलेंस अगर अगेंस्ट अदर्स और सुसाइड. इसमें क्या है कि या तो आप दूसरों के साथ वायलेंट हो जाते हो या खुद के साथ भी वायलेंट कुछ कर सकते हो, जैसे सुसाइड करना वो सब. यूजर्स में इवन फिजिकली इंजर देमसेल्व्स अनइंटेंशनली बिकॉज पीसीपी कॉजेज देम टू फील नो वार्निंग साइन सिग्नल ऑफ पेन. इसका मतलब ये है कि जो यूजर्स होते हैं इस ड्रग के वो फिजिकली अपने आप को इंजर भी कर लेते हैं क्योंकि उनको एक वार्निंग सिग्नल जो हमें होता है ना, जैसे हमें पता होता है कि हम अपने आप को हर्ट करेंगे, हमें पेन होगी, वो चीज़ उस टाइम उनको रियलाइज नहीं होती. तो ये पीसीपी का डेंजर है लेने का. फिर तीसरा आ जाता है जिसका बहुत कॉमन नेम है एक्सटेसी, और वैसे इसका टेक्निकली MDMA बोला जाता है. एक्सटेसी बोल लो या फिर इसको डिजाइनर ड्रग बोल लो या सिंपली एक्स बोल लो, तो ये सारे नाम एक ही उसके हैं, ड्रग के हैं. और इसको हम डालते हैं, ये है तो हेलुसिनोजन पर इसको स्टिमुलेटरी हेलुसिनोजन बोलते हैं. मतलब ये स्टिमुलेट भी करता है, स्टिमुलेट मतलब आपको अलर्ट भी कर देता है आपके बॉडी नर्वस सिस्टम को, और हेलुसिनोजिक इफेक्ट्स भी होते हैं. ऑल्दो मैनी यूजर्स ऑफ MDMA बिलीव दैट इट इज़ रिलेटिवली हार्मलेस, इन फैक्ट लाइक अदर सब्सटेंसेस कैन बी डेडली वैन मिस यूज. मतलब ये लोगों को लगता है जो यूज़ करते हैं कि इतना हार्मफुल नहीं है, बट अगेन अगर ज़्यादा यूज़ करें तो डेडली भी हो सकता है. MDMA इज़ अ कॉमन ड्रग एट रेव्स पार्टी, जो रेव पार्टीज होती हैं, जो नाइट पार्टीज होती है, जैसे ज़्यादातर उसमें न्यू ईयर्स वगैरह पे जो नाइट पार्टीज या रेव पार्टीज ज़्यादातर होती हैं, उस टाइप की पार्टीज में ये बहुत यूज़ किया जाता है. इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है, रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. उससे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो अगर जो ये ड्रग ले रहा है अगर उसने इनफ पानी नहीं पिया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उसके साथ, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है. और उल्टा भी हो सकता है,
एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ वाटर कैन ऑल्सो लीड टू कोमा एंड डेथ. और ज़्यादा पी लिया तो बॉडी कोमा में जा सकती है, डेथ हो सकती है. बिकॉज एन एक्सेस फ्लूइड कैन डिस्टर्ब द सॉल्ट कंटेंट ऑफ द बॉडी टिश्यू मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर ऑल द बॉडी पार्ट्स टू फंक्शन प्रॉपरली. तो सॉल्ट कंटेंट कम हो जाएगा ज़्यादा पानी पीने से, तो बॉडी के फंक्शंस वैसे ही खत्म हो जाएंगे. तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एक बैलेंस अमाउंट ऑफ वाटर जो पीना बहुत ज़रूरी है, कम हो या ज़्यादा हो दोनों में रिस्क होता है. एडिंग टू द रिस्क इज द पॉसिबिलिटी दैट एक्सेसिव यूजर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग एल्कोहल. तो जो लोग पार्टीज में होते हैं वो इस ड्रग के साथ साथ अल्कोहल भी ले रहे होते हैं, तो एक ड्रग इंट्रैक्शन होने का भी बहुत डर रहता है, जिसकी वजह से इसके जो इफेक्ट्स हैं और ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं. फिर आते हैं नॉन मैन्युफैक्चर्ड में. नॉन मैन्युफैक्चर्ड मतलब जो बनाते नहीं है हम लोग, मतलब ये नेचुरली जो मिलते हैं नेचर में. सो इसमें पहला जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेस्किलीन. मेस्किलीन जो है कम्स फ्रॉम दी बटन्स फाउंड ऑन द पियोटी कैक्टस. कैक्टस के ऊपर मिलता है ये, एंड नेटिव अमेरिकन. और ये अमेरिका के रिलीजियस और स्पिरिचुअल उसमें रिचुअल्स में यूज होता है. इसका भी हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट होता है, हेलुसिनोजेंस की जैसे LSD का होता है सेम उस तरीके से. और लेकिन इसको ज़्यादातर अपने रिचुअल्स में यूज़ करते हैं लोग, पुराने टाइप के जैसे स्पिरिचुअल रिचुअल्स होते हैं ना, इसमें कहते हैं कि वो अपनी सोल से मिलने जाते हैं, सोल से बात करने के लिए, उस टाइप के स्पिरिट से बात करनी है, उस टाइप के रिचुअल्स में. फिर उसके बाद दूसरा इसमें जो दिया हुआ है वो है इसका पी साइलेंट है, इसको हम बोलेंगे साइलोसाइबन. साइलोसाइबन बोलेंगे, पी इसको नहीं प्रोनाउंस करेंगे. तो इज अनदर नेचुरली अकरिंग हेलुसिनोजी कंटेंट सर्टेन काइंड ऑफ मशरूम. ये भी मशरूम पे ही मिलता है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ रेफर्ड मैजिक मशरूम बोलते हैं, ठीक है. एंड लाइक मेस्किलिन इट इज ऑल्सो भी यूज इन सिमिलर. इसको भी रिचुअल्स में ही यूज किया जाता है बेसिकली. इन दोनों का ये लिखा है कि ये दोनों ही जो ड्रग्स हैं मेस्किलीन और साइलोसाइबिन हैज बीन शोन टू क्रिएट फिजिक. दोनों से ही फिजिकल डिपेंडेंसी कोई नहीं होती, बट एज विद एनी साइको एक्टिव ड्रग्स साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी पॉसिबल है. फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पेन नहीं होगी कहीं भी, लेकिन साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो जाएगी कि उनको फील ऐसा होगा कि हम उसके बिना नहीं काम कर सकते. एंड हाउ एवर अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर कॉल्ड हेलुसिनोजिक परसिस्टिंग परसेप्शन डिसऑर्डर है. तो इसके साथ इसका लिंक है हेलुसिनोजन परसिस्टिंग परसेप्शन डिसऑर्डर, जिसको HPPD बोलते हैं. तो इसका इससे रिलेटेड एक और ड्रग जो है डिस्कस किया हुआ है वो है मैरिजुआना. वन ऑफ द बेस्ट नोन एंड मोस्ट कॉमनली अब्यूज ऑफ दी हेलुसिन. ये तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है मैरिजुआना, आपने मूवी में भी सुना होगा, जिसको शॉर्ट में पॉट और वीड बोलते हैं. ये बहुत नोन है और बहुत कॉमनली ये यूज़ होता है. एंड इट कम्स फ्रॉम द लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द हेम्प प्लांट कॉल्ड कैनिबिस सटीवा. तो ये इसकी लीव्स और प्लांट से आता है ये वाला ड्रग. इसमें लिखा है कि इट कम्स फ्रॉम द लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द हेम्प प्लांट कॉल्ड कैनबिस सटीवा. मतलब ये जो प्लांट है कैनबिस सटीवा, इसकी लीव्स और फ्लावर्स में होता है. और एक और नाम आपने सुना होगा हशीश करके. तो हशीश इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड सब्सटेंस मेड बाय स्क्रेपिंग द रेजिन फ्रॉम दिज लीव्स. तो लीव्स को जब ये स्क्रेप करते हैं तो उसके ऊपर जो रेजिन लगा होता है उसको हशीश बोलते हैं. बोथ मैरिजुआना एंड हशीश कंटेन कैनाबिनॉइड्स. सो ये जो दोनों हैं एक ही पर्टिकुलर लीफ और ट्री से आते हैं, जिसको हम कैनबिस सटीवा बोलते हैं. उसके बाद द मोस्ट साइको एक्टिव कैनाबिनॉइड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन मैरिजुआना इज टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल THC. टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल ये जो है सबसे ज़्यादा साइको एक्टिव पार्ट है उसका, जिसकी वजह से साइको एक्टिव इफेक्ट्स होते हैं. एंड मैरिजुआना इज बेस्ट नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ वेल बींग एंड माइल्ड इंटॉक्सिकेशन एंड माइल्ड सेंसरी डिस्टॉर्शंस ऑफ और हेलुसिनेशंस. सो इसमें जो इफेक्ट्स होते हैं मैरिजुआना के क्या होते हैं कि एक तो माइल्ड इंटॉक्सिकेशन होती है, हल्का सा नशा होता है. वेल बींग, फीलिंग ऑफ वेल बींग का मतलब बहुत बेटर फील होता है उसको लेके. माइल्ड सेंसरी डिस्टॉर्शंस होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, बहुत माइल्ड होती हैं.
थोड़ी सी हेलुसिनेशंस होती हैं, तो इसलिए इफेक्ट्स थोड़े से माइल्ड है एज कंपेयर टू अदर हेलुसिनोजेंस. इनफैक्ट एन इनएक्सपीरियंस्ड यूजर हु डजेंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट अपॉन स्मोकिंग द फर्स्ट मैरिजुआना सिगरेट में फील नथिंग एट ऑल. तो जो पहली बार इसको लेता है, जिसको पता नहीं होता कि एक्चुअली में इससे कुछ इफेक्ट होगा ऐसा, तो शायद उसको नोटिस भी ना हो ऐसा कुछ. सो मोस्ट पीपल डू रिपोर्ट अ फीलिंग ऑफ माइल्ड यूफोरिया एंड रिलैक्सेशन. कुछ लोगों को यूफोरिया मतलब बहुत ही हैप्पीनेस वाली फीलिंग, रिलैक्सेशन, ऑल्टर्ड टाइम सेंस, टाइम का पता नहीं चलता, टाइम सेंस ऑल्टर हो जाती है, मतलब दिन रात ये सब चीज़ें कन्फ्यूजन हो जाती है, माइल्ड विजुअल डिस्टॉर्शंस हो जाती हैं, तो ये सब चीज़ें इससे होती हैं. मैरिजुआना इफेक्ट्स हैव कंक्लूडेड दैट वाइल मैरिजुआना कैन क्रिएट अ पावरफुल साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, इट डज नॉट प्रोड्यूस फिजिकल डिपेंडेंसी. कोई फिजिकल डिपेंडेंसी नहीं होती और कोई फिजिकल विड्रॉल सिम्टम, फिजिकली कोई सिम्टम नहीं होता और आप फिजिकली डिपेंड नहीं होते. एंड इवन एट माइल्ड डोजेज इट इज़ नॉट सेफ टू ऑपरेट हैवी मशीनरी और ड्राइवर कार. इसमें लिखा है इवन अगर आपकी डोजेज माइल्ड हैं, आपको लग रहा है कि बहुत हल्का फ़र्क पड़ा है इसको लेने से, कोई ज़्यादा फ़र्क आया नहीं है, तब भी इसको लेने के बाद इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि कोई मशीनरी को ऑपरेट करे कोई, या फिर कोई कार चलाना शुरू, ड्राइव करना शुरू कर दे, क्योंकि इफेक्ट्स और रिएक्शन टाइम नेगेटिवली इफेक्ट होते ही हैं पर्सन में, चाहे वो थोड़े से ही हों. इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन जनरल, अटेंशन, मेमोरी आर लाइकली टू बी, जो इसमें हमारे माइंड में जो ये प्रोसेसेस होते हैं अटेंशन वाले, मेमोरी वाले, इनमें कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ता ही है इसको लेने के बाद. और इसको किस तरीके से लिया जाता है, कॉमनली स्मोक टेस्ट, टोबैको, टोबैको की तरह स्मोक किया जाता है, या फिर ब्राउनीज के साथ ही बेक कर देते हैं, या दूसरे फूड्स के साथ, इस तरीके से लिया जाता है इसको. तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं लेने के. तो यहाँ पे आपका ये ख़त्म होता है और यहाँ समरी दी हुई है कि क्या कौन कौन से जो ड्रग्स हैं हमने पढ़े हैं, डिप्रेसेंट्स थे, स्टिमुलेंट्स थे, नरकोटिक्स थे और हेलुसिनोजेंस थे. तो उसमें कौन कौन से आए थे वो सारे, उनके कॉमन नेम क्या हैं. ये टेबल बहुत अच्छा इन्होंने बना रखा है, एक समरी सी दे रखी है जो भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर. और उसके मेन इफेक्ट हैं, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, वहाँ पे आप अपने हाथ से भी लिख सकते हो जो इफेक्ट्स हमने ऊपर पढ़े हैं डिटेल वाले से लेके. और ये उसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं कि क्या उससे इफेक्ट होता है, नेगेटिवली किस तरह से हमारी बॉडी पे उसका इफेक्ट होता है. तो ये बहुत ही अच्छा टेबल यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट में समरी दे दी है पूरा जितना भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड. इसके बाद आगे चलते हैं, ये चैप्टर का हो गया, टॉपिक का समरी ख़त्म हो गई. यहाँ पे फिजिकल डिपेंडेंस, यूजर बॉडी नीड्स अ ड्रग टू फंक्शन, ड्रग टॉलरेंस एंड विड्रॉल और वार्निंग साइंस, ये हो गया फिजिकल डिपेंडेंस. साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस का मतलब यूजर्स बिलीव इन ड्रग इज नीड, यूजर को बिलीव होता है कि जब उसको ड्रग चाहिए लेना ही पड़ेगा. ये हो गए चार तरह के ड्रग्स जो हमने पढ़े, स्टिमुलेंट्स जिसमें एम्फीटामाइन, कोकेन, निकोटीन, कैफीन, डिप्रेसेंट्स हो गए जिसमें बारबिटूरेट्स, बेंजोडाइजिपिन्स और अल्कोहल, नार्कोटिक्स हो गए मॉर्फिन, हीरोइन और मेथाडोन, और हेलुसिनोजेंस हो गए जिसमें मैन्युफैक्चर्ड हैं और नॉन मैन्युफैक्चर्ड हैं. अब इसमें क्विज आता है तो हम ये क्विज भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमें टॉपिक जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया है. तो क्विज़ देख लेते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं क्विज़ के. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द टू साइंस ऑफ फिजिकल डिपेंडेंसी. फिजिकली डिपेंड होते हैं जब हम ड्रग्स पे, तो उसके दो साइंस क्या होते हैं. तो ड्रग टॉलरेंस एंड साइकोलॉजिकल क्रेविंग नहीं हो सकता, साइकोलॉजिकल की बात नहीं कर रहा ये. साइकोलॉजिकल क्रेविंग एंड विड्रॉल ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि साइकोलॉजिकल क्रेविंग की बात अभी नहीं हो रही है, फिजिकल डिपेंडेंसी की बात हो रही है. ड्रग टॉलरेंस एंड विड्रॉल ये हो सकता है कि ड्रग टॉलरेंस बढ़ती जाती है और विड्रॉल सिम्टम्स नज़र आते हैं जब हम फिजिकली डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं. यहाँ पे भी साइकोलॉजिकल लिखा है, ये भी नहीं हो सकता. तो आपके आंसर इसमें हो जाएगा ड्रग टॉलरेंस एंड विड्रॉल. क्वेश्चन नंबर टू, लार्जर एंड लार्जर डोजेज ऑफ एम्फेटामीन्स कैन लीड टू अ सीवियर मेंटल डिस्टर्बेंस एंड पैरानोया कॉल्ड. तो हमने ऊपर ये वर्ड पढ़ा है एम्फेटामाइन साइकोसिस. जब ज़्यादा एम्फेटामीन्स लेते हैं तो मेंटल डिस्टर्बेंस और पैरानोया होने लगता है, जिसको हम एम्फेटामाइन साइकोसिस बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट वन ऑफ द थ्री साइंस ऑफ कोकेन अब्यूज, इसमें से कौन सा कोकेन अब्यूज का साइन नहीं है, मतलब कोकेन अब्यूज वाले के अंदर ये चीज नहीं नजर आती। तो चारों को देखते हैं, विड्रॉल, लॉस ऑफ कंट्रोल, कंपल्सिव यूज, डिसरिगार्ड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें से विड्रॉल नहीं है कोकेन अब्यूज का साइन, लॉस ऑफ कंट्रोल है, कंपल्सिव यूज है, डिसरिगार्ड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस भी है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, कैफीन रिप्लेस्ड डैश इन पेटेंट मेडिसिन्स एंड ओवर द काउंटर प्रिपरेशन इन द अर्ली 1900s। तो कैफीन ने किसकी जगह ले ली थी मेडिसिन्स में, और ड्रग्स ओवर द काउंटर प्रिपरेशन मतलब जो आपको मेडिसिन्स वगैरह मिल जाती हैं, पेटेंट मेडिसिन या किसी केमिस्ट से मिल जाती है, उसमें पहले कैफीन होता था, बाद में उसको रिप्लेस कर दिया था। तो वो किसने कर दिया था कैफीन को रिप्लेस बाद में, कोकेन ने कर दिया था, कैफीन की जगह कोकेन ऐड करने लग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डे ट्रिप ड्रग और रोहिप्नॉल इज वन ऑफ दी, कौन सी कैटेगरी में आएगा ये, जो हमने डे ट्रिप ड्रग पढ़ा था, मेजर, माइनर, बारबिट्यूरेट्स, ओपिएट्स। तो इसका आंसर है सी, माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स में आएगा। उसके बाद, सेवरल ऑफ हर फ्रेंड सस्पेक्ट दैट मैरनी इज यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ ड्रग, शी इज वेरी थिन, स्टेज अवेक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम एंड ऑफन जिटरी, नर्वस एंड समवट पैरानॉइड। इफ मैरनी इज यूजिंग अ ड्रग इट इज लाइकली टू बी। अब ये सिम्टम्स बता रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं कि किस चीज़ के सिम्टम्स लग रहे हैं ये। ज़्यादा देर तक जगे रहना तो स्टिमुलेंट होगा ऑब्वियसली, जो आपको जगा के रखता है, डिप्रेशन तो सुला देता है। नर्वस रहना, पैरानॉइड रहना, तो किसका लगता है ये स्टिमुलेंट, हमने इसमें से कौन सा पढ़ा हुआ है, एम्फिटामिन स्टिमुलेंट होते हैं, तो इसी एम्फिटामिन के सिम्टम्स लग रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ऑल नार्कोटिक्स आर डिराइव फ्रॉम, सारे नार्कोटिक्स कहाँ से डिराइव होते हैं। कैनेबिस नहीं है, ये हमने हेलुसिनोजन में पढ़ा है, ये भी हेलुसिनोजन में पढ़ा है, ये खुद एक नार्कोटिक है। तो नार्कोटिक सारे कहाँ से डिराइव होते हैं, ओपियम से। देन 8th क्वेश्चन, द ड्रग वॉज फर्स्ट एट फर्स्ट हेल्ड एज द न्यू वंडर ड्रग, किसको बोला था, बिकॉज इम्प्योरिटीज दैट सपोजिटली कॉज मैनी ऑफ द एडिक्टिव एंड अनप्लेजेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ द प्रीवियस वर्जन हैड रिमूव्ड, इन फैक्ट डैश वॉज इवन मोर एडिक्टिव एंड डेडली। कौन सा ड्रग था जिसको जब बनाया था ज़्यादा प्योर फॉर्म में तो उसको न्यू वंडर ड्रग नाम दिया था, लेकिन बाद में पता चला था कि वो और भी ज़्यादा एडिक्टिव है, पहले वाले से भी ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा हीरोइन। विच ऑफ द फॉलोइंग हेलुसिनोजेंस इज नॉट अ सिंथेटिकली क्रिएटेड ड्रग, किस कौन सा वाला इसमें से नेचुरल है, सिंथेटिक नहीं है, वो ये पूछ रहा है। तो ये तीन हमने मैन्युफैक्चर्ड में पढ़े थे लास्ट के, ये साइलोसाइबिन जो है ये नेचुरल है, सिंथेटिकली क्रिएटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑफ द फॉलोइंग विच कम्स फ्रॉम पियोटिक एक्टस, तो अभी अभी हमने पढ़ा था हेलुसिनोजेंस में कौन सा आता है पियोटिक एक्टस से, मेस्किलीन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन कोरिलेटेड विद लॉन्ग टर्म मैरिवाना यूज, तो ज़्यादा देर अगर मैरिजुआना यूज़ करो तो क्या चीज़ होने के डर रहता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज। तो एज अ ड्रग तीनों चीज़ें होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैरिजुआना इज ट्रू, मैरिजुआना इज नॉट फिजिकली एडिक्टिव, ये फिजिकली एडिक्टिव नहीं है, सेफ टू ड्राइव तो बिल्कुल भी नहीं होता है इसमें, हेल्दियर देन टबैको नहीं कह सकते, शॉर्ट टर्म मेमोरी एनहांस्ड होती है नहीं है, तो पहला वाला ही ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसमें फिजिकली हम लोग एडिक्ट नहीं होते, फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होती, जबकि साइकोलॉजिकल हो जाती है। तो आपका ड्रग वाला टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। अब जो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वो हमारा जो न्यू चैप्टर है इसी बुक का, वो है चैप्टर 5, लर्निंग। तो ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा।
इसको अभी यहीं फिनिश करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.